सुप्रभात बच्चों, डिवाइन की ई लर्निंग कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आशा है आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। बच्चों, आज हम पाठ 15 होली की खुशियाँ इस पाठ का अध्ययन करेंगे। होली की खुशियाँ, होली में आप कितने खुश हो जाते हो बच्चों? सभी आपस में ऊंच नीच का भेदभाव भुला करके, गिले शिकवे भुला करके सब एक दूसरे पर रंग लगाते हैं, अबीर लगाते हैं, सब एक जैसे हो जाते हैं। तो ये त्यौहार कैसा त्यौहार है, आपस में गिले शिकवे भुला करके आपस में प्रेम और भाईचारा की प्रेरणा देता है। आओ बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 15 होली का त्यौहार, होली की खुशियाँ। आइए देखते हैं बच्चों, इस पाठ में होली की खुशियाँ, इस पाठ में इसी त्यौहार के बारे में वर्णन किया गया है। पाठ 15 होली की खुशियाँ। इस पाठ में होली के त्यौहार का वर्णन किया गया है। यह त्यौहार आपस में गिले शिकवे भुलाकर एक दूसरे के साथ प्रेम से रहने की प्रेरणा देता है। आइए बच्चों देखते हैं होली की खुशियाँ। दादाजी दादाजी, रंगों के लिए पैसे दो ना। अनन्या, शोभित और जतिन दादाजी के सामने अपनी जिद पर अड़े खड़े थे, मतलब हट कर रहे थे कि दादाजी रंग के लिए पैसे दे दीजिए। दादाजी धीमे से मुस्कुरा रहे थे, फिर पूछे, पैसों का क्या करोगे? दादाजी ने पूछा, हम बाजार से रंग और पिचकारी लाएंगे, सबको रंग देंगे। तीनों एक साथ बोले। तीनों बच्चे रंग के लिए दादाजी से जिद कर रहे थे कि पैसे दीजिए, हम रंग लाएंगे और सबको रंग देंगे। तुम सबको क्यों रंगोगे? दादाजी ने चश्मे से झांकते हुए पूछा कि तुम सबको क्यों रंगोगे? दादाजी, आप हमें परेशान क्यों कर रहे हैं? होली पर तो सभी एक दूसरे को रंगते हैं, नाचते गाते हैं, खुशी मनाते हैं, जतिन ने कहा। सही है ना बच्चों, होली के समय में लोग क्या करते हैं, होली के त्यौहार में सभी एक दूसरे को रंग लगाते हैं और खुशियां मनाते हैं। तो जतिन ने यही कहा दादाजी से कि दादाजी आप क्यों ऐसे कह रहे हैं, आप क्यों परेशान कर रहे हैं? होली पर तो सभी एक दूसरे को रंगते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, खुशियां मनाते हैं। दादाजी ने, जब बच्चे इतना जिद कर रहे थे, दादाजी ने क्या किया, फिर तीनों को 50-50 रुपये देते हुए कहा, रंग लाने के बाद मेरे पास जरूर आना। दादाजी ने क्या किया, तीनों बच्चों को 50-50 रुपये दिए और कहा कि रंग लाने के बाद मेरे पास जरूर आना। दादाजी की बात पूरी होने से पहले ही तीनों रुपये लेकर रफू चक्कर हो गए, यानी दादाजी ने पैसे दे दिए थे, पैसा लेने के बाद दादाजी की पूरी बात उन्होंने सुनी भी नहीं और रफू चक्कर हो गया, अर्थात भाग गए। रफू चक्कर का क्या अर्थ होता है, ये एक मुहावरा है, भाग जाना। तो तीनों दादाजी की पूरी बात नहीं सुने और भाग गए पैसे लेकर के। अनन्या, शोभित और जतिन रंग लेकर घर वापस आए तो बहुत खुश थे। उन्होंने आते ही बाल्टी में रंग घोला और पिचकारी में भरकर एक दूसरे पर डालने लगे। अन्य बच्चे भी उनके साथ होली खेलने लगे। होली में आप लोग भी एक दूसरे को रंग लगाते हो ना, और पूरे मोहल्ले के सारे बच्चे आ जाते हैं रंग लगाने के लिए, सब एक दूसरे पर रंग डालते हैं। दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, रंग खेलने वाली होली तो कल है, उसे फाग कहते हैं। आप लोग जानते हो ना बच्चों, होली से एक दिन पहले होलिका दहन होता है और फिर उस दूसरे दिन रंगों वाली होली होती है, जिसे हम फाग भी कहते हैं। तुम्हारा अभी से यह हाल है तो कल तो तुम भूत बन जाओगे। दादाजी ने कहा बच्चों से कि अगर आज से ही तुम लोग का ये हाल है तो कल रंगों, जिस दिन रंग खेला जाता है उस दिन तो तुम लोग भूत बन जाओगे। दादाजी, जब आप बच्चे थे, इस पर अब बच्चों ने कहा कि दादाजी जब आप बच्चे थे तो क्या आप भी होली खेलते थे? शोभित ने पूछा कि दादाजी जब आप छोटे थे, बच्चे थे, तो क्या आप होली खेलते थे? तो दादाजी ने कहा, मैं तो क्या, मेरे दादाजी भी होली खेलते थे। ऐसा त्यौहार है होली जिसमें सब भेदभाव भुला करके, छोटे बड़े का भेदभाव भुला करके सब एक दूसरे को रंग लगाते हैं और खुशियाँ मनाते हैं। तो दादाजी ने कहा कि मैं तो क्या, मेरे दादाजी भी होली खेलते थे। दादाजी ने उत्तर दिया। उनकी बात सुनकर अनन्या, शोभित और जतिन खिलखिलाकर हंस पड़े। दादाजी ने आगे बताया, हम होली सैकड़ों वर्ष से मनाते आ रहे हैं, आज नया नहीं मना रहे हैं, सैकड़ों वर्षों से मनाते आ रहे हैं। इसे फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। आप लोग जानते हो ना बच्चों, फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन होली त्यौहार मनाया जाता है।
जाड़े की विदाई और ग्रीष्म के आने पर नरम नरम मौसम में हम इस त्यौहार को मनाते हैं। अर्थात क्या बेटा, जब होली का फाल्गुन पूर्णिमा जो होता है उस दिन क्या होता है, उस समय जाड़ा ठंडा थोड़ा कम होने लगता है और गर्मी थोड़ा थोड़ा आने लगता है। यानी ठंड और गर्म दोनों मौसम उस समय रहता है, कभी ठंडी लगती है कभी गर्मी का एहसास होता है। मौसम बड़ा ही सुहावना उस समय का होता है। तो ऐसे त्यौहार में, ऐसे समय में जब मौसम ऐसा होता है, उस समय ये होली का त्यौहार मनाया जाता है। होली के पहले दिन संध्या के समय किसी चौराहे पर लकड़ियाँ इकट्ठी करके उनके इर्द गिर्द सूत का धागा लपेट दिया जाता है, फिर होली का पूजन किया जाता है। बाद में रात के समय इन लकड़ियों को जलाया जाता है, इसे होलिका दहन कहते हैं। होलिका दहन बच्चों आप लोग जानते हो क्यों मनाया जाता है? हिरण्यकश्यप के पुत्र जो थे प्रहलाद, वो विष्णु भगवान के भक्त थे और उनकी बुआ जो थी, होलिका नाम था उनका, उनको भगवान से वरदान प्राप्त था कि उन्हें अग्नि से कुछ नहीं कर पाएगी, मतलब अग्नि उन्हें जला नहीं पाएगी, ये वरदान प्राप्त था। तो प्रहलाद को मारने के लिए होलिका को यदि कहा गया था कि आप मतलब आग में जा कर के बैठो, क्योंकि सब जानते थे कि होलिका तो जलेगी नहीं, और प्रहलाद को जला दिया जाता। लेकिन क्या हुआ, प्रहलाद हमेशा ईश्वर का नाम लेते थे, विष्णु के भक्त थे, तो क्या हुआ, होलिका ही जल गई और प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ। फिर उसी दिन से यानी कि अच्छाई पर बुराई पर अच्छाई की जीत हुई। प्रहलाद तो ईश्वर के भक्त थे इसलिए उनको कुछ भी नहीं हुआ, और होलिका बुरा काम करने जा रही थी, यानी प्रहलाद को मारने के लिए वो जा रही थी, अपने वरदान का गलत प्रयोग कर रही थी। ईश्वर अगर वरदान देते हैं तो अच्छे काम करने के लिए देते हैं ना। लेकिन होलिका को जो ये वरदान प्राप्त था कि अग्नि उसे जला नहीं पाएगी, तो उसे अच्छे काम में उसका उपयोग करना चाहिए। लेकिन उसने क्या किया, प्रहलाद को मारने के लिए हिरण्यकश्यप की योजना में वो साथ दी। लेकिन भगवान ने क्या किया, होलिका ही जल गई और प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ, इसीलिए इस दिन होलिका दहन इसको कहा जाता है, यानी बुराई पर अच्छाई की जीत होती है, इसे होलिका दहन इसीलिए कहा जाता है। अगले दिन अर्थात फाग वाले दिन अबीर गुलाल और दूसरे रंगों से सभी एक दूसरे को रंग देते हैं, यानी रंग लगाते हैं। दादाजी जो लोग रंग डालने के लिए आते हैं हम उन्हें मिठाई भी खिलाते हैं, जतिन ने कहा। हाँ मिठाई खिलाते हैं, गले मिलते हैं और एक दूसरे को खूब रंगते हैं, दादाजी ने बताया। दादाजी इस बार हम आपको रंगों में डुबो देंगे, आप संभल कर रहना, बच्चे कह रहे हैं। अनन्या शोभित और जतिन है, तीनों बच्चे हैं, तीनों कह रहे हैं दादाजी से कि आप संभल कर रहना, इस बार हम आपको रंगों में डुबो देंगे। अनन्या ने थोड़ा सा गुलाल लिया और दादाजी के माथे पर लगाकर बोली, बुरा ना मानो होली है। अनन्या ने क्या किया, दादाजी के माथे पर थोड़ा सा अबीर लगा दिया और फिर कहा, बुरा ना मानो होली है। होली के समय हम लोग भी ऐसा ही करते हैं ना, कोई बुरा नहीं मानता है, सबको हम रंग लगाते हैं, गुलाल लगाते हैं और कहते हैं बुरा ना मानो होली है, कोई भी बुरा नहीं मानता है, क्योंकि होली का त्यौहार ही ऐसा है कि सब एक दूसरे एक जैसे हो जाते हैं, बड़े छोटे ऊंच नीच का सब भेदभाव भुलाकर सब एक जैसे हो जाते हैं। फिर तीनों क्या करते हैं, तीनों फिर से एक दूसरे पर पिचकारी से रंग डालते हैं। समझ में आया बच्चों ये पाठ आप लोगों को, होली का त्यौहार आप लोग भी मनाते हो ना, कितना अच्छा लगता है। इस पाठ को आप लोग अच्छे से एक बार पढ़ लोगे, कठिन सब देख लेते हैं बच्चों। त्यौहार ग्रीष्म फाल्गुन पूर्णिमा संध्या इकट्ठी संभल कर। बच्चों इन कठिन शब्दों को आप सुंदर अक्षरों में अपनी हिंदी कॉपी में लिखेंगे और पुस्तक से देख करके शब्दार्थ भी पूरा कर लेंगे। आइए बच्चों गृह कार्य देखते हैं, पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, कठिन शब्दों को तीन तीन बार सुंदर लिखावट में लिखेंगे, शब्दार्थ को सुंदर लिखावट में लिखें, यह आपका गृह कार्य है। धन्यवाद बच्चों।